हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको ये शॉर्ट कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमें कपड़े को फोर फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देखिए, ये मैंने किया है इस तरह से। हम कम से कम कपड़े में इसकी मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी हाइट है, तो पूरे मेरे टोटल हाइट प्लस 2 इंच मैंने 32 लिया है यहाँ पर। और यहाँ से हम शोल्डर का 1/2 इंच, जो कि मेरा 8 इंच आएगा, तो मैं यहाँ पर 8 इंच लूँगी। और यहाँ पर गले का 2.5 इंच, आप 3 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम आर्म होल्स की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल 8 इंच लिया है। और यहाँ से चेस्ट का 1/4 + 2 इंच हम लेंगे और यहाँ पर आर्म होल्स का शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने चेस्ट का 1/4 + 2 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्किंग की है। तो अब हमें कमर की लेंथ जितनी भी आती है, वहाँ से हमें कमर का घेरा जितना भी है उसमें प्लस 2 इंच ऐड करके वहाँ पर उसकी मार्किंग कर देनी है और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप आपका जितना भी जहाँ पर आता है, वहाँ से आपके हिप का 1/4 + 2 इंच ऐड करके वहाँ पर आपको मार्किंग दे देनी है इस तरह से। तो मेरा ये 10 इंच आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो हमारी पूरी हाइट आई थी वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब कटिंग यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक हम कटिंग इसकी करेंगे। तो ये कॉलर का गला है, इसलिए हम 1 इंच का तिरछापन यहाँ से देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अभी कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ से अब हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो कॉलर वाला गला है, इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ आपको क्या करना है, 1/2 इंच या फिर आप 1 इंच भी राउंड शेप में मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। और फ्रंट साइड की तरफ से हम 3 इंच इसका गला रखेंगे, वो भी गोलाई शेप में। अभी हमने ऑलरेडी 1/2 इंच कट कर लिया है, तो हम अभी क्या करेंगे, 2.5 इंच और यहाँ पर लेके यहाँ से एक बॉक्स तैयार करेंगे और देन उसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के गले की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से लेके हम फ्रंट को कट लगा देंगे 10 इंच तक मिनिमम। आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ वी प्लेट लगाएंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट और बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है इस तरह से। मैं यहाँ पर बाद में बटन्स भी लगाएंगे, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ इसको हम लाइनिंग के कपड़े के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने लाइनिंग के कपड़े के साथ इस कपड़े को अटैच कर लिया है। ऊपर की साइड से नीचे की तरफ अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका जो शोल्डर है वो हमें अटैच कर लेना है एक के तो ये बैक का पार्ट है। इसका ऊपर सीधी साइड को, या आप कह सकते हैं उल्टी साइड को रखकर हम इस तरह से शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव की कटिंग भी मैंने एंड में वीडियो में आपको दिखाया है। तो अभी हम पहले स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलर लगाएंगे जो बीच में गला आया है। अभी हम यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। तो ये इस तरह से आपको स्लीव उल्टी साइड को रख कर यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी साइड दोनों दूसरे साइड भी इसी तरह से आपको स्लीव्स लगा देने हैं। दोनों सेंटर से ही लगाना है, दोनों साइड अलग अलग लगाने हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखिए, ये हमने स्लीव्स लगा लिए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसको उल्टी साइड कर रख कर अपने देखिए, ये हमने उल्टी साइड को रख दिया है। अब हमें क्या करना है, अपने बॉडी शेप के हिसाब से अपनी बॉडी कुर्ती की फिटिंग कर लेनी है। तो जितना भी मेरे बॉडी साइज़ है उसके हिसाब से मैं मार्किंग करते हुए इस कुर्ती की फ़िटिंग कर लूँगी।
तो आपको सिर्फ हिप तक ही फिटिंग कर लेना है इसकी। देन वहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है। तो देखिए ये मैंने लगा लिया। आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ से लेकर सिलाई लगा देनी है, और फिर वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर वापस उधर तक जाना है। सिलाई बाहर तक नहीं आनी चाहिए, वहाँ वहीं पर स्टॉप कर देना है। तो ये देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है वहीं पर, तो बाहर की तरफ हमने सिलाई नहीं लेकर आई है। इस तरह से मैं आपको उल्टी साइड करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अभी हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से जो हम कट लगा दें वहाँ से लेकर आपको डबल फोल्ड करके दोनों साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करके वहाँ पर स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगाने है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेम इसी साइड, बैक साइड या फ्रंट साइड आप कह सकते हैं, दोनों साइड बैक और फ्रंट में इसी तरह से आपको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये हमने सिलाई भी लगा ली है। अब हम कॉलर की कटिंग और कॉलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने गले का नाप लेंगे जी कितना आया है। तो यहाँ पर हम बंद करके यहाँ पर शो बटन्स लगाएंगे बाद में, आप चाहे तो बाद वीडियो के एंड में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने गले की ये जो है वो मेजरमेंट लिए, तो ये करीबन 8 इंच आया है। तो हम 8 इंच का गला बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है, ये करीबन 1 इंच है, और यहाँ से लेकर इसकी हाइट डबल फोल्ड करके 8 इंच तक मैंने लिए। तो यहाँ से 3 इंच तक को आपको एक आधा मीटर से लेकर यहाँ तक कट कर लेना है, और जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से लेकर आपको राउंड शेप देना है इस तरह से। तो ये आपका कॉलर की कटिंग, मतलब मेरा मतलब है बुकरम की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे कपड़े के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे प्रेस कर लिया है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिलाई लगा देनी है पहले कपड़े में। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब आपको क्या करना है, सेम इसके पीछे एक और ऐसे ही कपड़ा ले लेना है। ये देखिए ये मैंने लिया हुआ है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे राउंड में इसकी सिलाई लगा देनी है ऊपर की तरफ से सिर्फ। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा होता है वो हमें कट कर लेना है, और नीचे की साइड का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें जो है वो कट कर लेना है। तो ये देखिए इतना एक आधा इंच छोड़कर हम क्या करेंगे, अभी इसको इस तरह से इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे, ये पूरा इसका कवर अप करेंगे। तो ये हो गया इस तरह से। अभी हम इसे कॉलर में लगाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे उल्टी सीधे साइड को। ऊपर की साइड आप अगर कॉलर का लुक लेना चाहते हो तो आप अच्छी तरह से एक वहाँ पर स्टिच लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर आपको यहाँ से पहले कॉलर का एक जो पार्ट आया था नीचे वाला वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है इस तरह से। मैं लगा कर दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब जो हमने कॉलर का ऊपर वाला पार्ट जो लिया था इसे इसके ऊपर रख कर कोई भी कोना बाहर की तरफ न छोड़ते हुए आपको इसी तरह से इसका पूरा जो है वो फिनिशिंग अच्छे तरह से। तो देखिए ये कुर्ती तैयार होने के बाद जीन्स के ऊपर या धोती के ऊपर भी आप पहन सकते हैं, तो इसका लुक बहुत ही बेटर लगेगा। तो आई होप यू लाइक इट माय वीडियो, एंड देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय।